रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पनीर बटर मसाला बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 300 ग्राम पनीर जिन्हें मैंने स्मॉल क्यूब साइज में कट कर दिया है, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 3 बड़े कटे हुए बारीक प्याज, 4 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन, 10 से 12 काजू, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 इंच अदरक, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 से 4 इलायची, इतना हमें हमारे पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हमें 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। हम पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए हमें कढ़ाई बिठाना पड़ेगा और कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, उसमें खड़ा मसाला डालेंगे, उसके बाद लहसुन, धनिया, अदरक, काजू, प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे और उसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे कि नमक सारे चीज़ों को अच्छे से नमक में मिक्स हो जाए। और इसे हम 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होने लगा है। अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे। हम इसे 15 से 20 मिनट फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ये फ्राई के साथ ये हमारा सारा चीज़ बॉईल भी हो जाएगा अच्छे से। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी, 1/2 कप पानी मिला रही हूँ कि अच्छे से बॉईल हो जाए और इसका टेक्सचर अच्छे से दिखाई देने लगे। 15-20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। ये मैंने मसाला का पेस्ट बना लिया है जो हम ठंडा करके मसाला को रखे थे। अब मैं बनाने जा रही हूँ बटर पनीर मसाला। मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, अब उसमें मैं तेल डालने जा रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल, इसके साथ मैं बटर भी डाल रही हूँ। इसमें मैं प्याज डालने जा रही हूँ, 1 कटा हुआ बारीक प्याज, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं तो आप नहीं डालना है। प्याज को थोड़ा हम गोल्डन ब्राउन कलर होने दें, थोड़ा सा फ्राई कर लें। प्याज थोड़ा फ्राई हो चुका है, उसमें मैं अभी डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर जो 1 टेबलस्पून है, हरी मिर्च 1/2 टेबलस्पून है, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून है और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ उसमें और उसको अच्छे से मिला लेती हूँ। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे क्योंकि मसाला में हमने ऑलरेडी नमक थोड़ा सा मिलाया हुआ है, तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला नमक डालेंगे। और अभी मैं मिलाने जा रही हूँ हमारा बना हुआ पेस्ट।
अच्छे से मैं इसको मिला लूंगी। दस से 15 मिनट पकाने के लिए छोड़ूंगी कि मसाला अच्छे से पक जाए, जो भी इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह गया है मसाले का वो भी सारा निकल जाए। 10 से 15 मिनट हम अच्छे से मसाला को पकाएंगे, धीमी आंच में पकाएंगे, हाई में नहीं रखेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुका है, हमारा मसाला देखिए अच्छे से पकने लगा है, इसमें से बहुत सुंदर खुशबू भी आ रहा है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ पनीर, जो हम स्मॉल क्यूब में काट कर रखे हैं उसको मिला रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा मिला देती हूँ अच्छे से मसाला में। फिर जो फ्रेश क्रीम मैंने रखा है मैं उसको भी मिलाने जा रही हूँ। फ्रेश क्रीम भी मिला दिया, इसको अच्छे से हिलाकर पनीर मसाला और फ्रेश क्रीम को मिक्स कर देते हैं। 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हिलाते रहिएगा, अगर वो नीचे लग गया तो फिर पूरा मसाला का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब मेरा पनीर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं अब इसमें पानी डालने जा रही हूँ। पानी डाल के मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है। डेढ़ कटोरी से कम पानी डालना है। हम इसमें पानी मिक्स कर दिया है देखिए, और इसको हम 5 से 10 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ देते हैं। मिडिल आंच में छोड़ेंगे, ना धीमी आंच ना हाई आंच में, मिडिल आंच में इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे तो पनीर अच्छे से मसाले के साथ घुल जाएगा। देखिए दोस्त, अभी हमारे बटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। आप इसे गार्निश करने के लिए पहले मैं इसे कटोरी में निकाल देती हूँ। गार्निश करने के लिए आप इसमें धनिया पत्ता। तैयार हो गया हमारा बटर पनीर मसाला। ये बनकर तैयार है पनीर बटर मसाला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।